सियासत का वास्ता, लखीमपुर ही है रास्ता, क्योंकि अब लगातार लखीमपुर मामले पर सियासत गरमाती जा रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज बुधवार को लखीमपुर खीरी कांड पर यूपी और केंद्र सरकार को घेरा। दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के सवाल पर यह भी कहा कि हमें मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब देखना हमारी सालों पुरानी ट्रेनिंग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने सवाल किया कि प्रियंका गांधी ने पुलिस द्वारा बुरे बर्ताव की बात कही है, और इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरे परिवार का कोई भी हो, मैं या प्रियंका या फिर कोई भी, हमें मार दीजिए, काट दीजिए, हमारे साथ बुरा बर्ताव कीजिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी है, सालों पुरानी ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग हमारे परिवार ने हमें दी है। मुद्दा किसानों का है, उसकी बात करते रहेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को गिरफ्तार होने पर भी सवाल किया था, और इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, प्रियंका गांधी को बंद किया गया है, लेकिन बड़ा मुद्दा किसानों का है। वहीं रोक के बावजूद राहुल गांधी लखीमपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही समय में वो लखनऊ पहुंचने वाले हैं, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पर उन्हें रोकने की भी बातें कही गई हैं। उनके साथ कई बड़े नेता जो है वो उनके साथ रवाना हुए हैं, प्लेन में उनके साथ कई बड़े नेता हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने केंद्र और बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने और फिर मृतक किसानों के परिवार से विपक्षी नेताओं के मिलने की रोक को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर राहुल गांधी हुए, और इसे देखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसानों की जीप के नीचे उन्हें कुचला जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, बीजेपी के मंत्री के बेटे पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वहीं उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है, बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो तीन नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। ये जो यूपी में हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था और उनके एक एमएलए ने भी रेप किया था। तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्रिमिनल्स जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, किसानों का खून हो, और जो मारते हैं, जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं, और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। थैंक यू सर। आशीष फ्रॉम एबीपी। मतलब हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं, सिर्फ यहां हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं। हमने क्या गलती की है? और जहां तक प्रियंका की बात है, ठीक है, प्रियंका को बंद किया है, मगर ये मामला किसानों का है। थैंक यू सर। नीरज फ्रॉम टीवी 18। काम ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाए ना, प्रेशर ना बनाए कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाए। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता, वो भाग से निकल जाते। तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ
तो लखनऊ जाने से पहले जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें क्या कुछ खास रहा, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं पत्रकार का राहुल गांधी ने पत्रकार के सवाल का जवाब भी दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी से कहा कि हमें मार दीजिए, हमारे साथ बुरा बर्ताव कीजिए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुद्दा किसानों का है, हम उनकी बात करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने कहा। लगातार आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें राहुल गांधी ने ये बातें कही। पहले भारत में लोकतंत्र हुआ करता था लेकिन अब यहाँ तानाशाही है, नेता यूपी में नहीं जा सकते हैं, इस तरीके की बातें राहुल गांधी ने की है। हाथरस मामले में हमने प्रेशर बनाया तब कार्रवाई हुई, ये भी राहुल गांधी ने कहा। बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपको बता रहे हैं। अगर हाथरस में हम ना जाते तो अपराधी बचकर निकल जाते, ये भी राहुल गांधी ने कहा है। हाथरस मामले को भी उन्होंने जिक्र किया। सरकार लखीमपुर के मुद्दे पर हमें दूर रखना चाहती है ताकि प्रेशर ना बनाया जा सके, ये बातें राहुल गांधी ने कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। यूपी में आरोपी बाहर होते हैं, पीड़ित जेल में होते हैं या फिर मार दिए जाते हैं, ये बात भी राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। राहुल गांधी का लखीमपुर और सीतापुर जाने का ऐलान, और इसी के साथ पत्रकार ने राहुल गांधी से सवाल किया प्रियंका पर, तो उन्होंने तमाम बातें कही है। जो बड़ी बातें रही प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी काव्या नोटियाल न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। काव्या, फिलहाल जिस तरीके से अब राहुल गांधी मात्र कुछ ही देर में लखनऊ पहुंचने वाले हैं, तमाम सियासत किस तरीके से देखी जा रही है, क्योंकि बात अगर करें तो यहां पर सियासत ही सबसे ऊपर है। केंद्र बन चुका है सियासत का, लेकिन इस बीच एक अपडेट निकल कर के सामने आ रही है और ये माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से 3 लोगों को अनुमति दे दी गई है लखीमपुर खीरी जाने की। राहुल गांधी का नाम भी इसमें शामिल है, लेकिन कल से ये पूरा मामला तूल पकड़ चुका था क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी को पहले हिरासत में लिया गया, बताया गया, उसके बाद ये कहा गया कि शांति भंग करने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा नाराजगी थी। और आज इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। देखिए, इस मामले पर कल एक नेता ने अभी तक नहीं बोला है, इस पर लगातार पूरा विपक्ष बोलता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने भी इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा शायद हमने कभी हिंदी फिल्मों में ही देखा था कि कोई विलेन किसी को उड़ा के ले जाता था आम नागरिकों को, और उसको बचाने के लिए पूरी सियासत जो है वो मदद करती थी। ये हमने आज तक फिल्मों में देखा था लेकिन यूपी में हो रहा है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर तानाशाही रवैया ऐसे करार दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हिंदुस्तान में अगर लोकतंत्र है तो विपक्ष की भूमिका तो हमें निभाने दीजिए। हमारा काम है कि जहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है वहाँ हम जाएं, हम देखें, स्थिति अगर बेहतर नहीं है तो उसको लेकर के फिर आपसे सवाल पूछें, लेकिन आप हमें प्रवेश ही नहीं देना चाहते हैं। इससे पहले रणदीप सुरजेवाला का भी बयान सामने आया था। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को केवल कांग्रेस पर ही एतराज है, क्योंकि भीम आर्मी की तरफ से भी मुलाकात हुई थी और टीएमसी की तरफ से भी मुलाकात हो चुकी है, इसको लेकर के उन्होंने नाराजगी जाहिर करी। और सीधे तौर पर आज राहुल गांधी ने जो रवैया प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनाया उससे बिल्कुल क्लियर था कि वो सरकार को इस मुद्दे पर बिल्कुल भी हल्के में नहीं छोड़ना चाहते हैं। और सबसे अहम बात है कि अजय मिश्रा टेनी जो हैं आज दिल्ली रवाना हुए हैं। सूत्रों के हवाले से भी खबर निकल के सामने आ रही है कि उन्हें तलब किया गया है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि इतना जो पॉलिटिकल प्रेशर एक तरीके से बन चुका है उसके बाद उनसे उनका पद भी वापस लिया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम सवाल जो राहुल गांधी ने उठाया, प्रियंका गांधी भी लगातार इस बात को उठा रही है कि अगर FIR दोनों पक्षों पर की गई है, यानी कि सरकार के पक्ष पर भी की गई है, जो मंत्री हैं उनके बेटे पर भी की गई है, और किसानों पर भी लाठी से पीट करके हत्या करने का आरोप लगाया गया है, फिर भी इस मामले में एक भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है, ये एक बड़ा सवाल है जो बार बार उठाया जा रहा है। राहुल गांधी, क्योंकि देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इनके साथ वो रवाना हुए हैं। भूपेश बघेल कल भी पहुंचना चाहते थे, कल भी उनको रोका गया और आज फिर वो जा रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी आपके पास, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लगातार जिस तरीके से सियासत बढ़ती जा रही है, यूं कहें कि लखीमपुर का मामला लगातार गर्माता जा रहा है और इसी को लेकर अब राहुल गांधी कुछ ही देर में लखनऊ पहुंचने वाले हैं। और इसी बीच ये बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई जहां पर राहुल गांधी को रोकने के लिए लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट पर सीधे तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, किसी को भी वहां से जाने नहीं दिया जाएगा। कल ही लखनऊ एयरपोर्ट को ये पूरे तरीके से योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिए थे कि किसी को भी लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। हालांकि राहुल को रोकने के लिए पूरी तरीके से पुलिस तैयार है और लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अंदर से बाहर तक, एयरपोर्ट के अंदर से लेकर बाहर तक पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। अब देखना होगा कि कुछ समय में लखनऊ राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, किस तरीके के हालात देखने को मिलते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने कल ही देखा क्या कुछ स्थितियां देखने को मिली जब खुद प्रियंका गांधी परसों यहां पर आ रही थी,
प्रियंका गांधी जब यहाँ पर आई तो उनको सुबह 5 बजे के करीब हिरासत में लिया गया। अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाने लगे तो उनको भी हिरासत में लिया गया। प्रियंका गांधी को अभी तक गिरफ्तार करके रखा हुआ है, उनकी हिरासत 24 घंटे से ऊपर रही। उसके बाद उन पर तरह तरह की धाराएं लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें साफ कर दी कि किसी भी तरीके से हम डरने वाले नहीं हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी का हौसला अफजाई उनकी की थी ट्वीट करके, जब वो लखीमपुर जाने वाली थी और उनको हिरासत में लिया गया। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने खुद केंद्र सरकार को घेरा और साथ ही साथ सीधे तौर पर लखीमपुर पर जो सियासी जंग देखने को मिल रही है उसमें राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। इसी के साथ प्रियंका पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को बंद कर दिया गया है लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, यह मुद्दा किसानों का है जो काफी बड़ा है और हम किसानों समर्थन में यहां पर आवाज उठाते रहेंगे। और अब राहुल गांधी कुछ देर पहले लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए थे। लखीमपुर खीरी उनको जाना है जहां वो दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुए और लखनऊ से लखीमपुर खीरी जाएंगे, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पर सीधे तौर पर उन्हें रोकने के लिए आदेश योगी सरकार द्वारा दिए गए हैं। और योगी सरकार के आदेश पर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और किसी भी तरीके से किसी को भी लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मृतक किसानों का ठीक से पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि आज 2 CM लखीमपुर जाने की कोशिश भी करेंगे। और इसी के बीच राहुल गांधी भी लखीमपुर जा रहे हैं, वहां पर लखनऊ एयरपोर्ट पर वो कुछ ही देर में लखनऊ पहुंचने वाले हैं। लखीमपुर के दौरे पर राहुल गांधी, जहां पर वो दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुए कुछ देर पहले और अब वो लखनऊ पहुंचने वाले हैं। जाने से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम बड़े आरोप केंद्र सरकार पर लगाए, तानाशाही रवैया। इससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकारों से बातचीत में सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधा। तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो अलग अलग कर तमाम चीजों पर निशाना साध रही हैं और ये जो तस्वीरें यूपी से सामने आ रही है ये वाकई सीधे तौर पर विपक्ष को एकजुट करती दिखा रही है, क्योंकि लखीमपुर का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से मुस्तैद कर दी गई है, पूरे तरीके से यहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, फोर्स की तैनाती। ये तस्वीरें आपको सीधे अमौसी एयरपोर्ट के बाहर से दिखा रहे हैं पूरे तरीके से। यहाँ पर राहुल गांधी कुछ ही समय में आने वाले हैं, कुछ समय में राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले बात करें अगर अमौसी एयरपोर्ट में आदेशों की तो वो कल ही जारी कर दिए गए थे और किसी को भी लखनऊ में आने की इजाज़त नहीं है। लखनऊ में अगर कोई नेता लखीमपुर खीरी के लिए आता है तो उन्हें उस नेता को लखनऊ एयरपोर्ट में अमौसी एयरपोर्ट में अंदर ही रोकने के आदेश जो है वो योगी सरकार ने पहले ही जारी कर दिए हैं। सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि विपक्षी पार्टियां लखीमपुर खीरी जाकर सियासत गरमाना चाहती हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं और कानून व्यवस्था को पूरे तरीके से खराब करना चाहती हैं। ऐसी बातें जो है वो सरकार द्वारा कही गई, जिसके बाद ये आदेश दिए गए और इन्हीं आदेशों का पालन करते हुए अधिकारी पूरे तरीके से मुस्तैद हो गए हैं और लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था सुचारू कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लखनऊ एयरपोर्ट के अंदर से लेकर बाहर तक पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। कोई भी व्हीकल अगर यहाँ से जा रहा है तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से उनकी चेकिंग की जा रही है। किसी को भी यहाँ से बिना चेकिंग के निकलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी एयरपोर्ट से आ रहे हैं हवाई यात्रा करते हुए वो सीधे अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, यूपी सरकार के गृह विभाग ने बड़ी अनुमति दे दी है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट से, इस सीधी तस्वीरें। चलिए बात एक बार फिर से मुद्दे की कर लेते हैं, सियासत का वास्ता लखीमपुर ही है रास्ता, क्योंकि लखीमपुर में इस समय लगातार सियासत बढ़ती जा रही है। बात लखीमपुर की करें तो राहुल गांधी कुछ ही समय अब लखनऊ पहुंचने वाले हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद वो यहां से लखीमपुर खीरी के लिए वहां दौरे पर जाएंगे, लेकिन इससे पहले लखीमपुर जाने से पहले लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर सीधे तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और निर्देश भी दे दिए गए हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बाहर आने की इजाजत नहीं होगी और उन्हें अंदर ही रोक लिया जाए।
चलिए तो इसी मुद्दे पर डिबेट की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ सतबीर मलिक जी हमारे साथ अध्यक्ष किसान यूनियन के, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और इसी के साथ माफ कीजिएगा कांग्रेस के प्रवक्ता अब्दुल्ला नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं सतबीर जी आपके पास आना चाहूंगी, जो तमाम चीजें उत्तर प्रदेश में चल रही है, आप अब इन पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं वहां जा रही है, लेकिन सरकार उनको सीधे तौर पर यही कहते नजर आ रही है कि अगर विपक्ष वहां जाएगा तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है उस पर सवाल उठेंगे और कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि आखिर विपक्ष को क्यों जाने नहीं दिया जा रहा, क्यों कांग्रेस को जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो पीड़ितों से मिलना चाहते हैं। लेकिन बात इसमें ये कि क्या वाकई जो कांग्रेस और तमाम विपक्ष है वो वाकई किसानों से पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं या मात्र सियासत, आप इस पर क्या कहेंगे? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, बताइए आप। सभी मलिक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान। देखो किसानों के साथ वहाँ पर हुई है वो बहुत दुखद है, उम्मीद नहीं है, इसमें किसी को भी राजनीति करने का अधिकार नहीं है। लेकिन दुख की घड़ी है, अगर कोई वहाँ हालचाल लेने जाना चाहता है, किसी से मिलना चाहता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है, वहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी भी गए, वो मिल के आ गए शांति से, किसान वहाँ जा रहे हैं और लोग जा रहे हैं, तो इनके जाने से क्या हो जाएगा? लेकिन वहाँ पर क्या है, सत्ता पर डरा हुआ है, वो कुछ ना कुछ छुपाना चाहता है, इसलिए वो इन लोगों को जाने नहीं दे रहे। किसान के साथ जो बर्बरता वहाँ पर हुई है पूरा देश उसको देख रहा है, समझ रहा है, और जिसके खिलाफ FIR हुई है उसको पूछताछ नहीं हो रही है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उल्टे उसको पुलिस की सुरक्षा दी जा रही है, ये कहाँ का न्याय है? अरे जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री है जिनको पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मा है, वो कहते हैं मैं आपको 2 मिनट में देख लूंगा, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं 1000 लखेत पैदा करिए हर विधानसभा में, मैं उनको नेता बनाऊंगा, इनके अधिकारी कहते हैं सर फोड़ दीजिए, ये कहाँ का लोकतंत्र है? किसान लगातार 10 महीने हो गए शांतिपूर्वक तरीके से लगातार धरना दे रहा है, कितने हमारे धैर्य की परीक्षा लेंगे, ये कितनी बार हमको बदनाम करने का प्रयास करेंगे? किसान इनको वोट देकर राजगद्दी तक पहुंचाने का काम किया है, अब ये उसको विपक्ष समझ रहे हैं। ये जो भी घटना घटी है इन लोगों के बयानबाजी की वजह से, किसानों के अंदर जो आक्रोश था उसकी वजह से, वो तो किसान तो फिर भी अपने घर शांतिपूर्वक जा रहा था, पीछे से आकर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे, गाड़ी के अंदर आदमी फंस जाएगा कुचलते हुए उसको ले जाएंगे और ऊपर से उठा के गोली मारेंगे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहेंगे गोली नहीं लगी है, और जो अपराधी है उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, और उनसे अगर कोई लोग जा रहा किसी की मदद करने सांत्वना देने बातचीत करने तो उसको भी रोकेंगे। शर्मा जी आपके पास जी, तो ये लोकतंत्र की हत्या है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, उन्होंने वो कल लखनऊ गए थे, जो शब्द नहीं हुए तो उनसे बोले गए, इनके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसकी तरफ से भी कोई सोच संवेदना ऐसी नहीं आई है कि किसानों को मानते क्या है, जब इनको जरूरत होती है तो ये इनके मंच पर आते हैं, यही बीजेपी इनके मंच पर आती थी, किसानों के कंधे पर पैर रख के सत्ता में पहुंच गए तो आज किसानों को भूल गए, ये गलत हो रहा है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। ठीक है सतबीर जी, मैं लौटूंगी आपके पास, खेमचंद शर्मा जी आपके पास आऊंगी। प्रधानमंत्री वहां पर गए और वाकई ये बात तो देखिए वाजिब है ना, तो उन्होंने लखीमपुर खीरी के जो तमाम ये मामला हुआ इस प्रकरण में उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला और ना ही वो वहां किसी से मिलने गए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने टीवी के माध्यम से कुछ लोग ना फैलाने दें, ये कह रहे गोली चली, अरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से हुआ है, पारदर्शी तरीके से हुआ है और वहाँ पे जांच भी हो रही है, SIT का गठन हो गया है और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंतर्गत या उनकी लीडरशिप में या उनकी देखरेख में जांच होनी है और जांच पूरी पारदर्शी तरीके से होनी है, कोई भी दोषी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आप पहले से अफवाह फैला रहे हैं, पहले से एक तरफा आप डिसीजन दे रहे हैं, एक तरफा आप फैसला सुना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे गोली चलाई गई, अब ऐसी अफवाह फैला के और दंगों को भड़काने की कोशिश ना करें और परेशानी को बढ़ाने की कोशिश ना करें, और 9 के 9 लोग सबकी जान बराबर है, उसमें जो पत्रकार मारा गया उसके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार हैं, उनके भी माँ बाप हैं, उनके भी भाई बहन हैं,
उनके परिवार के बारे में हमें सोचना है, चार जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए उनके परिवार के बारे में सोचना है, जो किसान हमारे मारे गए उनके परिवार के बारे में सोचना है। 9 लोगों की हत्या हुई है और 9 के 9 लोगों की हत्या किसने की है, क्यों हुई है और उसके क्या कारण थे, इसकी जांच होगी और जब तक जांच हो हम सभी को संयम बरत के वही इन्फॉर्मेशन या वही बातें करनी चाहिए जो सही बातें हैं, और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप अभी से गलत सड़क बातें करोगे कि गोली चली, अरे गोली चली होती तो पोस्टमार्टम में पता चलता, गोली और मारपीट के निशान दोनों में बड़ा फर्क होता है, गोली का जो घाव है वो अलग होता है और मारपीट की चीजें अलग होती है। आप कैसी बातें करते हैं, आप गलत बातें मत करो। देखिए सरकार पारदर्शी तरीके से इस मैटर में इन्वेस्टिगेट करा रही है और हम सभी जानते हैं कैसे कैसे लोगों के फोटो वहाँ पे सामने आ रहे हैं जिन्होंने भिंडरवाला की टी शर्ट पहनी हुई है, भिंडरवाला के स्लोगन लगाए हुए हैं। ये कौन लोग हैं, क्यों वहाँ पे क्या कर रहे थे ये? अरे सुनिए, मैं आपके पीछे बोला नहीं, जो भिंडरवाला कब से किसान हो गया और भिंडरवाला का किसानों से क्या लेना देना, अगर भिंडरवाला की टी शर्ट पहने वहाँ पे लोग हैं इसकी भी जाँच होनी चाहिए। और सतवीर जी मैं लौटूंगी आपके पास और खेमचंद शर्मा जी आपसे भी, देखिए जाँच का विषय है और इस पर जाँच होनी चाहिए और पारदर्शिता निष्पक्ष जाँच इस पर होनी चाहिए। ठीक है खेमचंद शर्मा जी मैं लौटूंगी आपके पास, नसीर साहब भी अपनी ठीक है नसीर साहब भी इंतजार कर रहे हैं, उनका भी समय होता चला है। नसीर जी आपके पास आना चाहूंगी, राहुल गांधी लखनऊ पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में और लखीमपुर खीरी का दौरा आज उनका, हालांकि सरकार की ओर से इजाजत नहीं दी गई, बावजूद इसके वो जा रहे हैं और इसी के लिए जिस तरीके से बात की जाए अगर एयरपोर्ट की तो लखनऊ में जो अमौसी एयरपोर्ट है वहां पर सीधे तौर पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है, सीधे तौर पर उनको एयरपोर्ट के अंदर ही रोकने के आदेश भी दे दिए गए हैं सरकार द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? ये मुझसे कहा आपने? जी बिल्कुल जी नसीर जी, असल में देखिए वो तो मुझे अभी इतना मिली है कि शायद परमिशन दे दिया है, 5 आदमियों को जाने की परमिशन दे दी गई है, राहुल जी प्रियंका जी और 3 दूसरे आदमी, आप प्लीज कंफर्म कर लें अपने रिपोर्टर से, मुझे लगता है ये परमिशन दी जा चुकी है। दूसरी बात आते हैं किसानों के मुद्दे पर, असल मसला ये नहीं है कि राहुल जी को जाने दिया जा रहा है या नहीं जाने दिया जा रहा है, वो एक अलग लड़ाई है, असल मसला है किसानों का मुद्दा, जितनी क्रूरता के साथ और जितनी बेहंगम तरीके से ये सरकार किसानों से डील कर रही है, शर्म आती है कि ये लोकतंत्र में सरकार या राजतंत्र बल्कि डिक्टेटरशिप चल रही है। 700 किसान पहले मर चुके हैं, लखीमपुर में 8-9 किसान मरे, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर और बीजेपी के एक मामूली नेता तक ने संवेदना व्यक्त करता तो दरकिनार उल्टे और उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता साहब जो भिंडर वाले की तरफ जैकेट पहने हुए थे, शर्म नहीं आती इनको की है, इनको कहीं भिंडर वाला दिखाई दे रहा है, कहीं पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, कहीं खालिस्तान दिखाई देता है, विरोध का कोई टुकड़ा होता है तो इनको फौरन जो है पेट्रोल दिखाई दे जाता है, ये शर्म आती ही नहीं है। आप लोगों से बोलते हैं पकड़ के पकड़ मीडिया के लिए मीडिया सेल चलाना चाहते हैं, ये किसानों को बदनाम कर रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, हमको कहते हुए शर्म गाड़ी से, अरे गाड़ी से पहले वहाँ पे शीशा किसने तोड़ा, चोर तोड़ा, किसने रोका, कौन कौन वहाँ पे मौजूद थे और किस चीज उनको पीट के मारा, बीच में आधी आपको आदमी के ऊपर पीछे से गाड़ी चलाई जा रही, आदमी टायर के नीचे पड़ा है, आपने सारी वीडियो देखी होगी खेमचंद जी, कैसे लोगों को, अरे ये झूठे मक्कार लोग हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ झूठी बातें करना चाहते हैं, उसको पहले किसान क्या ड्राइवर को धमकाया गया, क्या आपको वो नहीं वीडियो सामने आता है जो ड्राइवर कह रहा है, और आप बोलो कि मिनिस्टर ने बोला है गाड़ी चलाने के लिए, चलाने के लिए झूठ बोलते हैं, किसी ने नहीं बोला, अरे मल्टीपल वीडियो है, हम एक तरफा बात कर रही है तो गलत बात हो रही है। खेमचंद शर्मा जी, मलिक साहब और नसीर जी, देखिए तीनों से मेरी रिक्वेस्ट है एक एक करके बात करेंगे, बात अगर वीडियोस की करें तो देखिए तरह तरह की वीडियो सामने आ रही है, अभी पुष्टि किसी तरीके से नहीं हुई है कौन सी वीडियो सही है कौन सी गलत है, बहुत सी वीडियो सामने आ रही है, अगर हम
वीडियोस पर इस तरीके से बातचीत करेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर अलग अलग चीजें निकल कर सामने आएगी। कहा जा रहा है कुछ वीडियोस पुराने भी है, तो ये जांच का विषय है, इस पर जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, ये भी हम चाहते हैं, और निष्पक्ष जांच होने के बाद तमाम चीजें सामने आ जाएगी, क्योंकि वीडियोस पर उनकी पुष्टि अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सतबीर मलिक जी, आपके पास आना चाहूंगी। नसीर जी, आपने जो बताया था वो वाकई आपकी बात सही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर लगातार सामने आ रही है कि उनको इजाजत मिल गई है, लेकिन बावजूद इसके जो एयरपोर्ट पर सुविधाएं जो है और जो तमाम सुरक्षा है वो पूरे तरीके से बढ़ा दी गई है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाह रही थी। खैर, मैं लौटूंगी आपके पास। सतबीर जी, आपके पास आना चाहूंगी। वीडियोस जो है, हम वीडियो की बात लगातार कर रहे हैं, देखिए बहुत सारी वीडियो सामने आ रही है। बात दोनों ही पक्षों की करें, जिस तरीके से खेमचंद शर्मा जी ने भिंडरवाला का सवाल उठाया, वो तस्वीरें भी सामने आई है। आपने फिर मेरा नाम गलत ले लिया, सवित मलिक। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भिंडरवाला अगर हमारे देश में है, आतंकवादी संगठन हमारे देश में है, तो वो नाकामी किसकी है? तो सरकार की नाकामी है ना। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, जब इनके बस्ती सत्ता और शासन चलाना नहीं है। ये खाली अपने को खुद ही बदनाम करने का काम कर रहे हैं देश को। या तो ये बता दे, ये हमको किसान मानते हैं कि आतंकवादी मानते हैं, पहले इस बात का ये फैसला कर ले। अगर हमको आतंकवादी मानते हैं तो हमको क्यों नहीं गोली मार देते वहां बॉर्डर पर बैठे हैं? अगर हमको आतंकवादी मानते हैं तो क्यों हमको बुला बुला के बात करते थे? अगर हमको आतंकवादी मानते हैं तो क्यों लखीमपुर में बुला के एडीजी लाइन ऑर्डर और प्रमुख सचिव ने बात की है? अरे एक दिन में तो हम इनके लिए भगवान हो जाते हैं, अंधाधा हो जाते हैं, वो फिर हमको बदनाम करने के लिए नक्सली, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आपके तमाम नेता और ये सांसद विधायक हमको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, आज तक कभी प्रधानमंत्री ने बोला है कि नहीं किसान को ऐसा नहीं कहना चाहिए? इनकी पार्टी में यही नहीं, प्रधानमंत्री कहते हैं पवित्र आंदोलन है, ये लोग कहते हैं ये आतंकवादी है। अरे ये अपने प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते, इनकी पूरी पार्टी की ये बात है, अपने सांसद की नहीं मानते, अपने विधायक की नहीं मानते, अपने सहयोगी दल की नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट की बात ये नहीं मानते। इन्होंने जो इनके सहयोगी दल थे वो छोड़ कर चले गए हरसिमरत कौर जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए, वो ये नहीं करवा पा रहे। कैसे पार्टी है ये? इनके यहाँ छोटा बड़ा अपना पराया कोई कुछ है नहीं, खाली लाखों की राजनीति करते हैं, किसान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, आपकी बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं खेमचंद शर्मा जी। लोगों को शर्म नहीं आ रही है? मैं लौटूंगी मलिक जी आपके पास। मैं भी किसान का बेटा हूँ, नेता और कार्यकर्ता है वो किसान परिवारों से आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही किसान हो और आप ही बड़े किसान हो। अरे हमने तो एक सवाल पूछ लिया था, उसमें मिला क्यों रहे ये फोटो आज हो रहे हैं? उनको क्यों शामिल होने दिया? क्यों उनको वहाँ पे लीड करने दिया? क्यों नहीं बोला गया यहाँ पे किसानों से कोई लेना देना नहीं है, किसान प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है? आप आंसर दो ना, उत्तर देने की बजाय। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, मलिक साहब, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। तो बात इसी मुद्दे पर एक बार फिर से डिबेट की ओर चलते हैं, तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं नसीर जी आपके पास आना चाहूंगी। अभी फिलहाल जिस तरीके से ये बात निकलकर सामने आई है, खुद एडीजी भी कह रहे हैं कि उनको इजाजत तो दे दी है, लेकिन सवाल वही बरकरार है कि इतनी जो देर लगी है तमाम चीजों में, और बात अगर प्रियंका गांधी की करें तो वो तो अभी भी उनको अरेस्ट किया गया, तरह तरह की धारा उन पर लगाई गई है, गिरफ्तार किया गया, बहुत लंबा समय हो गया है। देखिए ये लगता है कि इन लोगों को प्रियंका गांधी से क्या करता, अगर आज जो परमिशन उन्होंने दिया है उस दिन भी वो परमिशन देते, लिमिट लगा लेते कि आप 2 आदमी जाइए, 3 आदमी जाइए, 5 आदमी जाइए, वो तो एक बात समझ में आती थी। लेकिन आपने प्रियंका जी को गिरफ्तार करके और ऐसी जगह रखा, आप बताइए कि उनको खुद अपना कमरा साफ करना पड़ा, कि इनकी तहजीब और शराफत और इनके पास मानवता और कोई सेंसिटिविटी नाम की चीज नहीं थी कि आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, कोई क्रिमिनल नहीं थी, वो एक बड़ी डिसीजन थी। कम से कम तो ध्यान इनको रखना चाहिए था कि वहाँ कमरे को सफाई कर दे, थोड़ा सा एक पब्लिक जो बेसिक फैसिलिटीज होती वो वहाँ दे देते, ये तो लगता था कि दुश्मनी निभाई जा रही है। और दूसरी बात ये है कि जो धाराएं लगाई गई हैं तो वो धाराएं तो बिल्कुल गलत है, इनको तो मुकदमा वापस लेना होगा। बेल बंद देने से प्रियंका जी ने इनकार कर दिया, बिल्कुल सही किया, और प्रियंका जी बेल बंद नहीं देगी, बिल्कुल पक्की बात है। तो ये समझने की और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है कि बात को बिगाड़ने न दे। आप बात को यहाँ तक बिगाड़ दिया कि पूरा वो मजबूर हो गया कांग्रेस दल वहां पर धरना देने के लिए, अदरवाइज आप थोड़े लोगों को भेज देते तो ऐसा कोई मसला ही ना होता। क्या बात को छिपाना चाहते हैं? और ये प्रॉब तब तक ईमानदारी से नहीं हो सकती है मैडम जब तक होम मिनिस्टर को हटाया नहीं जाएगा। केंद्रीय होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो मेन मुलजिम उनका लड़का है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसके लड़के को
पुलिस दबाव में काम करेगी, इसे कोई इंकार नहीं कर सकता है। तो इंसाफ से तकाजा ये है पेयर प्रोब के लिए मंत्री जी से इस्तीफा लेके पेयर प्रोब कराई जाए। इसीलिए कांग्रेस मांग कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए इस मामले की पूरी जांच कराई जाए। पुलिस तफ्तीश में सच्चाई सामने नहीं आएगी। हमारी ठीक है खेमचंद शर्मा जी, आप ही की बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके सवाल का जवाब वो देंगे। लेकिन शर्मा साहब जवाब तो सवाल तो मेरा भी आपसे यही है, आखिर एक किसी भी अगर हम कानून की बात करें संविधान की बात करें तो 24 घंटे से ज्यादा किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। 24 घंटे से ज्यादा समय तक प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया, उसके बाद अलग अलग धाराएं लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। प्रशासन ने साफ किया है कि उस समय शांति बनाने की वहाँ पे जरूरत थी और जो हमारे 9 लोग मारे गए उनका जो दाह संस्कार है वो भी नहीं हुआ था। और ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल लोग वहाँ पे जाके पॉलिटिकल टूरिज्म करना चाह रहे थे, वहाँ पे स्थिति को और खराब करना चाह रहे थे। तो ये साफ प्रशासन ने किया हुआ था कि हमें स्थिति में कंट्रोल करने के लिए हमें किसी को भी वहाँ पे जाने की इजाजत नहीं देनी है, और अगर कोई चोरी छुपे गया है तो उस पर भी कार्रवाई हुई है। तो प्रियंका गांधी जी भी कहीं अलग नहीं है। अब आप देखिए प्रियंका गांधी जी की नीयत, उनकी नीयत खराब थी इसीलिए उन्होंने अफवाह फैलाई, और एक वीडियो जो एडिटेड वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एक ही घटना को एक ही चीज को एक ही पक्ष को दिखा रहा है उसको उन्होंने जारी किया। उसमें साफ साफ नजर आता है कि वो उनकी जो नीयत है वो खराब थी और वो राजनीति करना चाहती थी, वो अफवाह फैलाना चाहती थी। तो जब ऐसी नीयत से आप जब जा रहे हो तो वहाँ पे कोई अच्छा करने वाले तो हो नहीं, तो आप तो स्थिति खराब करने के लिए वहाँ पे जा रहे हो, आप तो दंगा भड़काने के लिए वहाँ पे जा रहे हो, आप तो वहाँ पे लोगों को और ज्यादा अफवाह फैला के लोगों में जो उग्रवाद है उसको या मतलब लोगों में आप इस तरीके से रोष जो है लोगों में उसको जागृत करने की कोशिश कर रहे हो कि आपका राजनीतिक फायदा हो सके। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया सही किया। अब जब स्थिति कंट्रोल में, एडमिनिस्ट्रेशन ने दी नहीं इजाजत, राहुल गांधी को भी दिए, प्रियंका गांधी को भी दिया, उनके साथ तीन लोगों को भी दिया, अब जाओ जाके मिल के आओ। क्या अब राजनीति नहीं भड़केगी शर्मा साहब जी? अब अगर जा रहे हैं राहुल गांधी तो क्या अब राजनीति नहीं भड़केगी? आप राजनीति की बात करते नजर आ रहे हैं, बड़ा फर्क है। एक एक स्थिति यह है सही, वहाँ पे जो सब पड़े हैं उन सबों को अभी तक दाह संस्कार भी नहीं किया गया, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है, और परिवारों में क्रोध है, या फिर आप जाके वहाँ पे जिस तरीके की अफवाह फैला रहे हो या जिस तरीके की आपात करना चाहते हो उससे स्थिति और खराब हो सकती है। अभी समझा बुझा के अब वहाँ पे जाके किसानों और एडमिनिस्ट्रेशन में बातचीत हुई और सहमति बनी और किसान भी उसके साथ सहमत हो गए। अब तक शर्मा जी मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में? सियासत हम लोग नहीं करते, हम लोग बहुत जिम्मेदार विपक्ष है, खुद ईमानदारी से हम लोग राजनीति करते हैं। ठीक है मलिक साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके भी सुन लेते हैं। मलिक साहब ठीक है शर्मा जी, समय की भी कमी है, मैं मलिक साहब के पास जाना चाहूंगी। मलिक साहब जल्दी से अपनी बात पूरी करें। जब तक कैदी को नहीं हटाया जाएगा होम मिनिस्टर को, तब तक सही ईमानदारी से प्रोब नहीं हो सकता। नोट कर लीजिए आप लोग, अरे सारी एजेंसियां दबाव में, पुलिस दबाव में, केंद्रीय कार्रवाई करते हैं बिना जांच के। आप जनमेजय कह रहे हैं, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। अरे गोरखपुर में जांच की थी, अरे पूरी जांच होगी, कंप्रिहेंसिव जांच होगी। अरे ये बताइए अभी खेमचंद शर्मा जी, इस बात में कोई दोराय नहीं है कि कहीं कहीं दबाव तो एजेंसियों पर भी है। आखिर कैसे ये बात कह दी गई कि गोलियां वहां पर नहीं चली? आप पत्रकार की बात कर रहे हैं, आपको शायद याद होगा उस पत्रकार को भी एक गोली ही लगी थी। देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ आया, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा, पोस्टमार्टम में पत्रकार के लिए भी उतना ही मुआवजे का सरकारी एजेंसी से हो रहा है, सरकारी हॉस्पिटल से हो रहा है, सरकारी डॉक्टर से थ्रू हो रहा है, और कोर्ट की निगरानी हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज है उनकी निगरानी में सारी चीजें चल रही है, एसआईटी का गठन हुआ है, कुछ भी स्थिति नहीं है। ठीक है देखिए आप ये बात इस बात से बार बार नकार रहे हैं, हालांकि ये निजी बात है, मुझे नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ, वो जो पत्रकार जिनका निधन वहां पर हुआ वो मेरे ही मित्र थे और उनको वाकई गोली लगी है और ये चीजें हमने खुद ने अपनी आंखों से देखी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का, समय की ठीक है खेमचंद शर्मा जी, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन वाकई इस समय जिस तरीके से लगातार ये सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि जांच एजेंसियां दबाव में है या दबाव किस तरीके का है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। हालांकि राहुल गांधी को इजाजत मिल गई है वहां जाने की, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और लगातार ये बातें कही जा रही है कि कांग्रेस की ओर से वहां जाकर राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है और शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष आपस में आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।